मध्य प्रदेश के खरगोन में सब्जी मंडी थोक व्यापारियों की शिफ्टिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महिलाओं ने चक्का जाम करने का प्रयास भी किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 3 बजे रात से सुबह 8 बजे तक एसडीएम सहित पुलिस बल तैनात रहा। जिला मुख्यालय पर थोक मंडी को लेकर व्यापारी अड़े हुए हैं। जिला प्रशासन, एसडीएम सहित राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन रात 3 बजे डटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि शहर के 6 किलोमीटर दूर बलवाड़ी में मंडी शिफ्टिंग को लेकर थोक व्यापारियों में रोष है। जिला प्रशासन के बार बार कहने के बाद भी थोक व्यापारियों के शहर स्थित मंडी में न जाने की मांग के चलते ये हंगामा हुआ है। खरगोन से अजित तिवारी की रिपोर्ट। ये पिछले 2 दिनों से हम लोगों का मुहिम चल रहा है। ये जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय का भी आदेश है कि पिछले 50 वर्षों में शहर का काफ़ी विस्तार हुआ है। जो पुरानी सब्जी मंडी थी वो शहर के मध्य में स्थित है। अभी आपने भी देखा होगा कि कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो वो भी एक बिंदु था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंडी ऐसी जगह स्थानांतरित की जाए जहाँ पे संक्रमण कम हो। पुरानी सब्जी मंडी को पहले भी निर्णय लिया गया था कि नवीन सब्जी मंडी जो बलवाड़ी है वहाँ पे स्थानांतरित किया जाए। आज उसी क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई की है और जो भी इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और निरंतर जब तक से पूरी तरह से शिफ्टिंग नहीं हो जाती है हम लोगों का अभियान जारी रहेगा। 3 बजे रात से सर आपको बैठना पड़ा इसको? अब तो हमारी पूरी टीम थी, 3 बजे रात से कंटिन्यू हम लोग गश्त कर रहे थे और आगे भी अगर वो इस तरह से वो नहीं मानते तो हम लोगों की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कुछ महिलाएं सड़क पर भी बैठ गई जी सर? अब वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाओं को आगे करने से हमारा मतलब सल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता। मंडी दूर भी पड़ती है सर, उनकी मांग है कि अनाज मंडी ही। मैंने कहा है कि जब मंडी में आप बैठोगे नई बलवाड़ी मंडी में तो मंडी भी आपको अगर छोटे अगर ऐसे कोई व्यापारी है जिनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं है हम मंडी से उनको सहयोग भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।